25,000 रुपए लगा के आप महीने का अश्योर्ड 5,000 रुपीज कमा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक ऐसी खेती है जो बिना मिट्टी के बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक से किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसी खेती जो होती है बिना मिट्टी के। और सबसे बड़ी बात कि इस तकनीक को आप बहुत ही छोटे जगह में भी कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे शहर की प्राची अपने घर के छत पे कर रही है और इससे रोज़गार भी कर रही है। और ना ही सिर्फ ये, बल्कि दूसरों को भी सिखा रही है कि कैसे कम से कम लागत में और छोटे जगह का इस्तेमाल करके हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं प्राची से और जानते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। सो प्राची, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रांची अपडेट्स पे, और थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती समय हमें आज दिया। तो अब आप हमें ये बताइए कि आखिर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होता क्या है। थैंक यू सो मच अदिति फॉर कमिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, इसको ये एक एग्रीकल्चरल टेक्निक है, लिटिल एडवांस्ड इन नेचर, थोड़ा आधुनिक है, जिसमें हम मिट्टी के बिना खेती करते हैं और हम पानी के थ्रू खेती करते हैं। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक पौधा को मिट्टी से मिलता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को हम पानी में मिलाते हैं और फिर उसको एक सर्कुलेटरी सिस्टम में रन करते हैं जिसमें कि रूट्स डिप्ट होता है प्लांट्स का। तो हाइड्रोपोनिक इज मतलब दो शब्दों से बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब हुआ वाटर, पानी, और पोनिक का मतलब होता है लेबर। तो इसका मतलब है वी आर पुटिंग वाटर टू लेबर, मतलब हम पानी के द्वारा मेहनत करवा रहे हैं खेती करने के लिए। अरे वाह, कितना इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि इसका आइडिया आपको कैसे मिला। ओके, तो ये काफ़ी सेल्फिश मोटिव था जिसके वजह से शुरू किया गया था, क्योंकि जब आप नए नए मदरहुड में आते हो तो यू वांट द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। तो आप चाहते हो कि मेरे बच्चा को सिर्फ ऑर्गेनिक खाना ही मिले, पेस्टिसाइड ना हो, यू नो, किसी तरीके के केमिकल्स ना हो। तो इट स्टार्टेड विद दैट इंटेंशन, बट करते करते देन वी स्टार्टेड ग्रोइंग विद अ स्मॉल हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जो कि हम सिर्फ उगाते थे 500 ग्राम्स, उसको डालते थे बच्चे के खाने में और खिलाते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को लगा कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, जो हम मार्केट से लेके आते हैं एंड देन उसको खाने के बाद जो फीलिंग होती है, एंड हमारा जो घर का उगाया हुआ था थ्रू हाइड्रोपोनिक्स, उसको खाने के बाद जो फीलिंग होती है, उसमें बहुत डिफरेंस था। सो उसके बाद छोटे से फिर उसको थोड़ा और बड़ा किया कि एटलीस्ट हम अपने घर का सस्टेनेबल प्रोड्यूस ग्रो कर सके, और रेगुलर सप्लाई हो हमारा। फिर करते करते हुआ कि वाई ओनली अस, यू नो, अब धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी दो। तो फिर हमने आसपास के लोगों को भी इंक्लूड करना शुरू किया कि आप लोग टेस्ट बताओ कैसा है, क्या है। एंड उसके बाद फिर हुआ कि अब इसको कमर्शियली करना है हमें। तो अब कमर्शियली करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लैंड का, जो कि अभी भी है, लैंड मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि हम एक जगह लैंड लेके उस पर सेटअप करें, लाखों इन्वेस्ट करें। हमारा था कि हम सिटी के अंदर ही उस बड़े लैंड को छोटे छोटे रूफ टॉप्स में डिवाइड कर दें। तो अगर एक एकड़ का लैंड है, अगर हर एक घर का 600 स्क्वायर फीट भी होगा, तो हम इतने सारे घरों को रीच आउट करें ताकि वो एक एकड़ हो जाए विद इन द सिटी। सो इसी के लिए वी फॉर्म्ड फ्यूल फार्मर्स, और मेरे साथ एक मेरा को फाउंडर भी है, नीलेश गोस्वामी। सो वी बोथ कोलैबोरेटेड और हमारा दोनों का एक इन सिंक विजन था, एंड दैट्स हाउ वी आर नाउ। वाओ, तो आप हमें ये बताइए कि ये जनरल पीपल, आम आदमी भी ये फार्मिंग कर सकते हैं, ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है? देखिए, बिकॉज ये थोड़ा सा आधुनिक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हमेशा एक गाइडेंस में शुरू करना आसान होता है। अभी तो लॉकडाउन में एवरीथिंग इज़ बिकम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग देता है, हैंड होल्डिंग देता है, तो आपके लिए सफ़र और आसान हो जाता है। सो जो चीज़ें हमने फेस की थी ऑनलाइन ट्रेनिंग करके, सारी चीज़ें ऑनलाइन सीख के, वो हम नहीं चाहेंगे कि कोई और उस चीज़ को फेस करे। नाउ दैट वी आर हियर टू सपोर्ट, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट देम इन एनी मैनर। तो हमेशा अच्छा है कि आप ट्रेनिंग करो, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है, वी कैन कम ओवर होम।
एज अ हॉबी करिए या एज अ कमर्शियल सेटअप करिए या एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर करिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। तो अब आप हमको ये बताइए कि इसमें रोज़गार एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकता है। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज हम आई हैव अ लीगल बैकग्राउंड, मेरी पढ़ाई जो है वकालत में हुई है, लेकिन मेरे लिए भी ये स्विच बहुत आसान नहीं था कि हाँ एक चीज़ में जहाँ आप 10-15 साल काम किए हो उसके बाद आप स्विच करके एक दूसरे फील्ड में आओ। सो मेरे हिसाब से काफ़ी वास्ट है, हमने अभी तक एग्रीकल्चर को उस लेवल तक ही नहीं एक्सप्लोर किया है कि इसमें हम कितने लोगों को एक साथ लेके चल सकते हैं। हमारा जो थिंकिंग है अभी तक एग्रीकल्चर का वो यही है कि लैंड है, फार्मर है, वी हैव एन इमेज कि एक पुअर फार्मर है, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, बट वी कैन चेंज एवरीथिंग विथ यू नो ऑल्टरनेटिव फार्मिंग मेथड्स, जैसे हाइड्रोपोनिक हुआ, हॉर्टिकल्चर मेथड्स हुए, मशरूम फार्मिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये बहुत ही अच्छा एक लाइवलीहुड का ज़रिया हो सकता है, स्पेशली अभी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग सीखने के लिए आपका कोई एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड का ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप वेदर एग्रीकल्चर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, या प्रोफेशनल रह चुके हो लेकिन आपका शौक है गार्डनिंग और फार्मिंग का, तो कोई भी ले सकता है इसको। स्पेशली ये घर बैठे वुमेन्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली, हमारे एक दो ग्रोवर्स हैं जो हमारे लिए स्पेसिफिकली ग्रो करते हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दिया, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, तो वो दोनों ही एक रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं जो कि अब रिटायरमेंट लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, और एक तो प्योरली हाउसवाइफ ही हैं। अच्छा प्राची, आप हमें ये बताइए कि कोई अपने घर पे अगर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? दो तीन तरीके हैं। एक तो हमारा ऑफिस है अशोक नगर में, D77 रोड नंबर 1 अशोक नगर में, और दूसरा आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको दे दूँगी, आप कोई भी उस पर फ़ोन कर सकता है। और तीसरा हमारा एक इंस्टा पेज भी चलता है, fuel.farmers करके, तो आप उस पर भी मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू प्राची। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि प्राची मैम ने बताया कि आप इस टेक्निक को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, और आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि सिर्फ 25,000 की लागत से आप महीने का 5,000 कमा सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने घर में सिर्फ 50 square feet का जगह चाहिए। और इस टेक्निक को ना ही सिर्फ युवा पीढ़ी बल्कि घर बैठी महिलाएं, रिटायरीज कोई भी कर सकता है। मैं आपके पेज के द्वारा यह भी बताना चाहूंगी कि यदि इस वीडियो को देखने के बाद रांची अपडेट्स को फॉलो करने वाले हमसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का सेटअप स्वरोजगार के लिए खरीदते हैं तो हम उन्हें 10% डिस्काउंट भी देंगे।